हेलो गाइज, कैसे हो? स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 12 इंची सबवूफर। तो गाइज ये है सबवूफर, एक्सपायर्ड सबवूफर। तो ये आता है आपका 1 ईयर वारंटी में। तो 1 ईयर वारंटी है और इसका जो स्पेसिफिकेशन है तो यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखें, तो ये जो है 2200 वाट का है और 2 इंची वॉइस कॉइल में है, 12 इंची सबवूफर है। तो 4 ओम है और 400 वाट RMS है। RMS जो होता है इसका एक्चुअल पावर होता है। तो आप इसको जो है 600-700 वाट RMS वाले एम्पलीफायर से चला सकते हो, तो 100 वाट से भी चल जाएगा। और इसमें फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो है 28 से लेके 480 है। और इसका जो DB है, डेसिबल, तो वो 93 है। तो काफ़ी अच्छा पावर है इसका। तो मैं चला रहा हूँ इसको काफ़ी टाइम से। तो इसे मैंने रोहित सितोजी से लिया था, हरियाणा से। तो इम्पोर्ट किया था, 3150 का ही प्रोडक्ट मैंने लिया था। तो वैसे इसका प्राइस जो है उस वक्त 2200-2300 था, GST लगा के और डिलीवरी चार्ज लगा के ये 3150 का पड़ा था मेरे को। इसके साथ इस तरह का सेफ्टी ग्रिल मिल जाता है। तो मैं यूज कर चुका हूँ, तो मैंने आपको जो है किस तरह की पैकिंग में आता है इसलिए मैंने इसको जो है फिर से पैक कर लिया था। तो ये सबवूफर है, देख लो काफ़ी डस्टी हो चुका है लेकिन ये काफ़ी पावरफुल है। देखो तो ये सबवूफर तो काफ़ी ठीक है, काफ़ी मजबूत भी है, आसानी से दबता नहीं है। तो मैं आपको जो इसका वजन भी करके दिखाऊंगा ये कितना वजन का है। तो इसको जो है ऑन करते हैं, 5 किलो 168 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। तो काफ़ी वजन है इसमें। तो इसका जो मैग्नेट है 135 है। तो ये जो चौड़ाई होती है इधर से लेके इधर तक 135 mm है। और ऐसे जो डेप्थ होती है इसकी गहराई इस मैग्नेट की 40 mm है, 4 सेंटीमीटर। और जो इसमें मैग्नेट के साथ जो मेटल लगा होता है तो इसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, पर बाकी जो है ये जो है 8 mm का है, 8 mm ये है, 8 mm ये है। तो काफ़ी हैवी हो जाता है इस वजह से। तो इसका वॉइस कॉल 2 इंच का है, 2 इंच वॉइस कॉल के साथ आता है। और बहुत ही अच्छा इसमें जो है एक्सपायर का जो सबवूफर है इसमें स्पाइडर जो है काफ़ी अच्छा दिया गया। देखो ब्लैक कलर का है और काफ़ी मजबूत है। तो इसका जो कोन है ये भी काफ़ी हार्ड है, बहुत नरम नहीं है, इसलिए जो है लाउड बेस देता है। और लो तो निकालता ही है और लाउड भी निकाल देता है अच्छा खासा। तो ये आउटडोर भी काम कर जाता है। तो इसे मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है आउटडोर भी इंडोर भी। तो आप इसको यूज कर रहे हो तो मान लीजिए कि आप अगर 100 स्क्वायर फीट में, तो ये 30% में ही जो है कमरा हिला देगा, आप सुन नहीं पाओगे इससे ज़्यादा। लेकिन ये जो है आपका 1000 फीट स्क्वायर तक ये काम कर जाएगा आसानी से, आउटडोर काम करता है तो आप समझ सकते हो। तो ये मात्र जो है आपका एक डबल टेप से चिपका हुआ है। तो बहुत ही देखो कितना पावरफुल होता है डबल टेप। तो आप ये देखो, अभी चला के देखता हूँ। तो ये देखो कितना फास्ट चल रहा है। तो इसको सेट करते हैं। तो गाइज ये है 12 इंची सबवूफर, 460 वाट RMS, तो 2000 वाट पीक है इसका। तो ये 12 इंची है, देख लीजिए। तो मात्र इस टेप से चिपकाने के बाद ये कितना टाइट हो चुका है, तो इसमें स्क्रू ही नहीं कर सकेंगे कहीं भी, देख लीजिए। और इसे चला के देखते हैं। तो ये देखिए, तो इसमें मैंने कहीं पर भी नेट बोल्ट नहीं लगाए हैं, देख लीजिए कितना पावर है इसमें, और ये खुलेगा नहीं। तो ये है ड्यूल टेप की पावर, यदि आप इसको चिपका के कस लेते हो तो फिर ये निकलता नहीं है, देख लीजिए। तो गाइस जब भी आप सबवूफर लेते हो तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जरूर देखें, 30 to 500 होना ही चाहिए। उससे क्या है कि आपका बेस अच्छा हो जाता है, लो और लाउड दोनों मिलेगा आपको, तो बेस ज़्यादा फील आएगा आपको, नहीं तो आपका बेस फील ही नहीं आएगा। तो गाइस यदि आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।